हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टोपर स्टारगेट। सो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सोर्सेज ऑफ फूड। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म फूड। सो एज वी ऑल नो कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, सबको क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोथ। तो अब हमें एनर्जी मिलती कहाँ से है, तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एनर्जी मिलती है हमें फूड से। तो बेसिकली फूड क्या एक तरह का फ्यूल का काम करता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे प्लांट हो गया, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहीं ना कहीं एनिमल्स क्या होते हैं, किसी और पर डिपेंड्स होते हैं फॉर देयर फूड्स, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स पर। तो बेसिकली कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को फूड की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, टू फाइट डिसीजेज, टू रेगुलेट ऑल बॉडी फंक्शंस एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। सो ये भी पता होगा कि अलग अलग जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं, वो अलग अलग तरह का फूड्स खाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, लाइफस्टाइल, टेस्ट एंड अवेलेबिलिटी। तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, मीन्स कि वी ईट फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। सो हम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे हम पीपल्स को क्लासिफाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एक होती है वेजिटेरियन, दूसरी होती है नॉन वेजिटेरियन। तो ये तो सबको ही पता होगा, वेजिटेरियंस क्या होते हैं कि वो पीपल्स जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं या पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियंस पीपल्स हु ईट प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस। सो बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, लाइक साउथ इंडियन फूड, गुजराती फूड, राजस्थानी फूड्स एटसेट्रा। तो फूड इज टेकन बोथ इन कुक एज वेल एज अनकुक फॉर्म, जैसे वी ईट रॉ फ्रूट्स लाइक एप्पल, पपाया, मैंगो एटसेट्रा, और कुछ वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरेट, टोमेटो एटसेट्रा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उनके भी बेसिस पे, फूड हैबिट्स के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में, जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन, तो बेसिकली अभी हमने डिस्कस करा था फूड के बारे में, तो नेक्स्ट हम आती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन्स करने में हेल्प करते हैं। बॉडी न्यूट्रिएंट्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकेंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। एज द नेम इंडिकेट, मैक्रो एंड माइक्रो, ये हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस करा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कम अमाउंट्स में रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट। सो न्यूट्रिशंस, बॉडी न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, अभी डिस्कस करा था, फर्स्ट वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकेंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट बेसिकली दीज आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट, कि वो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो हमें कम अमाउंट में चाहिए, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू रेगुलेट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। तो मिनरल्स एंड विटामिन्स हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो हमें कम क्वांटिटीज़ में रिक्वायरमेंट होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमें कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आर बॉडी। सो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को, और एक प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो अगर मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बात करें, तो हमें जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज़ प्लांट। अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स देखें जो हमारे फूड में प्रेजेंट्स होते हैं, किसकी फॉर्म में होते हैं, वो शुगर और स्टार्च की फॉर्म में। शुगर कौन कौन से, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये क्या होते हैं, दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर। अगर हम स्टार्च की बात करें तो कंपेरेटिवली दे आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बट कंटेन मोर एनर्जी, कि जो स्टार्च होता है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज कंपेरिजन टू शुगर। नेक्स्ट इज फैट। तो बेसिकली फैट क्या है, फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड कॉम्पोनेंट मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग। These are the compound of carbon, hydrogen and oxygen. Fat are member of
लिपिड फैमिली दैट आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कि फैट किस फैमिली का मेंबर है, दैट इज़ लिपिड फैमिली। ये वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होता है। दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का रिचेस्ट सोर्स तो है बट प्राइमरी सोर्स नहीं है। प्राइमरी सोर्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट। फैट्स हमें कहाँ से मिलता है? घी से, बटर, ऑयल, मीट, चीज़, मिल्क एट्सेट्रा। तो बेसिकली फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। और अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या है? वी गेट फैट फ्रॉम एनिमल एज वेल एज प्लांट। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या था? प्लांट। बट फैट हमें एनिमल से भी और प्लांट से भी मिलता है। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन भी क्या है? प्रोटीन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमें कंटेन करता है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं या हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर मैं बात करूँ सम कॉमन फूड रिच इन प्रोटीन, तो इंक्लूड पल्सेस, बीन, नट्स एट्सेट्रा। और हमें प्रोटीन मिलता कहाँ से? हमें प्रोटीन प्लांट और एनिमल से, दोनों से मिलता है। बट एनिमल प्रोटीन आर नोन टू बी बेटर देन प्लांट प्रोटीन। सो प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। अमीनो एसिड्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है असेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होता है जो ह्यूमन बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, जो विटामिन्स हमें, जो अमीनो एसिड्स हम कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं। और किसकी फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। तो वो कौन से अमीनो एसिड्स हो गए? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट वन इज विटामिन। विटामिन्स इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, आर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर अनदर काइंड ऑफ कंपाउंड जिसे हम कहते हैं विटामिन। विटामिन क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। ये हमें बहुत सारी डिसीज से भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली जो एब्सेंस या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इन आर रेगुलर डाइट में रिजल्ट इन डिसीजेज, जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेज। अलग अलग काइंड्स के विटामिन प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे हम विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के एट्सेट्रा। तो देर इज़ अ ग्रुप ऑफ विटामिन ऑल्सो कि B1, विटामिन B2, विटामिन B6, जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और अलग अलग विटामिन का अलग अलग फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए का क्या फंक्शन होता है? कि ये हमारी स्किन को, आइज को हेल्थी रखता है। विटामिन बी इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ विटामिन, क्योंकि बिकॉज विटामिन B1, विटामिन B2, उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, इसलिए इसे कहा गया जाता है ग्रुप ऑफ विटामिन। ये नर्व्स और मसल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। विटामिन सी हमारे टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखने में, विटामिन डी मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली अलग अलग विटामिन का क्या है? अलग अलग फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।